हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। अब देखिए, रेलवे सेक्टर में यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स आए कि सर, आप रेलवे सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बताइए। गिरावट कंटिन्यू जारी हो रही है, डर लग रहा है कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकते हैं, क्या सारा माल बेच के निकल जाए या फिर रुके रहे। मेरा पर्सनली व्यू क्या है वो भी दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। हालांकि मैंने पहले ही एक अपडेट दिया था जब ये स्टॉक टॉप पे चल रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो इन स्टॉक्स में एक बार प्रॉफिट को बुक जरूर कीजिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। एंड अगेन आपको एक गिरावट में ऐड करने का मौका मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गिरावट क्यों हो रही है, आप सबको पता होगा गिरावट क्यों हो रही है। US मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, वहाँ का जो इकोनॉमी डेटा वगैरह है वो नेगेटिव देखने को मिला, रिसेशन का डर है, इस वजह से गिर रहे हैं। विक्स जो है वो अभी के टाइम टॉप पे पहुँच चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा जम कर चुका है। इंडिया का विक्स भी अगर आप देखेंगे तो डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे है, 42 पे। जब तक ये विक्स डाउन नहीं होगा तब तक हाई वोल्टिलिटी, मतलब मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट अप, एक दिन में 1000 पॉइंट डाउन, ये चीज़ें होगी। जब तक ये विक्स टॉप पे रहेगा तब तक हाई वोल्टिलिटी हमें देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ वॉर का भी सिचुएशन है, इधर जापान का मार्केट भी क्रैश हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा क्रैश, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट पे हमें पड़ते हुए नज़र आ रहा है। और बाकी आप सबको पता है कि इंडियन मार्केट भी बहुत टॉप पे खड़ा था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो हुई। अब यहाँ पे आगे का क्या व्यू है, देखिए अगर मैं बात करूँ, आज सभी रेलवे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, बट डिलीवरी किसी में उठाई नहीं गई है। मतलब ये है कि डिलीवरी किसी में भी 40% से ऊपर की डिलीवरी है ही नहीं। किसी में आपकी 25 है, तो किसी में 30 है, तो किसी में 35% डिलीवरी है। मतलब आज स्टॉक 6-7% गिर चुके हैं, बट मैक्सिमम लोगों ने इंट्राडे में ही बुक किया, इंट्राडे में ही पैसा निकाला। मैक्सिमम मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के लिए होल्ड किया है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि डिलीवरी कम है। बाकी अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम US मार्केट नेस्टेक जो है वो ऑलमोस्ट 2.5% डाउन है, और डाउ जोन्स आपका 2% डाउन है, S&P 500 2.5% डाउन है। हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट कल पड़े, मॉर्निंग के टाइम स्टॉक्स गिरे, बट गिफ्ट निफ्टी डाउन नहीं है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे का व्यू, देखिए यहाँ पर बात की जाए रेलवे में, तो रेलवे में फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है आने वाले 4-5 साल के लिए। किसी का नज़रिया अगर यहाँ से लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, RVNL में लॉन्ग टर्म व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले समय में। ये मेरा पर्सनली व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरा ये मानना है आने वाले समय में, मतलब 2-3 सालों में कंपनी जो है एक अच्छे स्तर पर पहुँच जाएगी। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए देश अपना ग्रो हो रहा है तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे की भी जरूरत होगी, तो वो कौन कर रहा है, वो RVNL तो कर रहा है, वो इरकॉनी भी कर रहा है, तो इनको फाइनेंस कौन देगा, IRFC देगा। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगी। शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉब्लम होगी, शॉर्ट टर्म में जैसे कि मान लो हाई वोल्टिलिटी के कारण गिरेंगे भी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई, तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले टेक्निकल व्यू के हिसाब से देख लेते हैं कि स्टॉक्स में सेलिंग कहाँ तक जा सकती है। देखिए राइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर अभी के टाइम स्टॉक जो है राइट्स वो ट्रेंड लाइन पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगा, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी के टाइम स्टॉक जो है वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आते हुए स्टॉक जो है ये देखने को मिल रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जंप किया, सपोर्ट अगेन जंप, अगेन सपोर्ट, अगेन जंप, फिर एक सपोर्ट, फिर जंप। अब ये स्टॉक जो है अगेन सपोर्ट पे खड़ा है, लेवल टूटता है तो एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। EMA का जो सपोर्ट है वो तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो ही चुका है। इस स्टॉक के लिए जो इम्पोर्टेंट एक और सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये रेंज 650 रुपये। अगर राइट्स आपका 650 के नीचे जाता है तो एक भारी सेल ऑफ के कारण ये जो स्टॉक है वो हमें 500 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो राइट्स में ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अपर साइड की अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट रेंज बन चुकी है अपर साइड में भी, अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हो चुका है इस कंपनी के लिए, वो रहेगा आपके लिए दोस्तों ये रेंज जो कि 780 रुपये की है। 780 का लेवल टूटता है तो हमें 900 तक 1000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बाकी मेरा यहाँ पर कोई पर्सनली राइट्स में व्यू नहीं है, मुझे स्टॉक जो है कि नॉर्मली स्लो लगता है, बाकी कंपनी के पास इतने बड़े ऑर्डर्स बुक भी नहीं है। RVNL की बात की जाए तो RVNL और राइट्स के रिजल्ट्स भी जो है इतने भी अच्छे देखने को नहीं मिले। RVNL की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म में गिरा। अब देखिए ये आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइए कि जब मंथली कैंडल पर दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू ऐसी कैंडल्स बनेगी तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे जब ऐसा ही डायरेक्ट मूवमेंट आएगा तो थोड़ा तो दोस्तों करेक्शन होगा ना, तो वो करेक्शन यहाँ पे हो रहा है।
आरबीएनएल में मेरा ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है 520 के लेवल दिखा सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके एक रिवर्सल, कल हो सकता है एक रिकवरी दिखे, कल स्टॉक में रिकवरी दिखे, बट बड़ा फंड कभी नहीं लगाना है, हो सकता है वो आपके लिए ट्रैप भी हो। जैसे जैसे कि यहाँ पे एक रिवर्सल आया था, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया, शेयर गिरा, तो कल एक रिकवरी दिखे तो वहाँ पे सारा फंड नहीं लगाना है, वो एक ट्रैप भी हो सकता है। अगला स्टॉक है आपका आई आर एफ सी के जो पैटर्न्स है वो थोड़े से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। IRFC में जैसे मैंने आपको लेवल बताया था टू, कि भाई ये रेंज है, रेंज में जब तक है तब तक कोई व्यू नहीं रहेगा, कंसोलिडेट करता रहेगा, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में बड़ी गिरावट होगी और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली भी। यहाँ पे तेज़ी बनी थी बट मैंने आपको क्या बोला था, फेक तेज़ी भी हो सकती है, फेक तेज़ी हुई एंड स्टॉक गिरा। आगे का क्या व्यू है IRFC में, अगर सेंटीमेंट नेगेटिव रहते हैं 160 के लेवल्स टच करेगा, 160 के लेवल से अगेन रिवर्सल देखने को मिल सकता है, कल एक रिवर्सल आता है तो वो हो सकता है फेक रिवर्सल भी हो सकता है। वॉल्यूम्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा कल अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आता है तो वो रियल रिवर्सल भी हो सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों इरकॉन। इरकॉन ने क्या किया कि बार बार सपोर्ट लेता है EMA पे, जैसे कि आप देख सकते हो EMA पे सपोर्ट रिवर्सल, सपोर्ट जम, सपोर्ट जम, सपोर्ट जम, सपोर्ट जम, सपोर्ट जम, अगेन ये सपोर्ट टूट चुका है। तो इरकॉन में मेरा व्यू क्या है, इरकॉन के पास दोस्तों बहुत सारी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, पी रेशियो भी कम है, ROC ROE भी बेटर है, जो कंपनी का डेट है वो भी कम है, आरबीएनएल से बेटर कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे लग रहे हैं, नवरत्न कंपनी है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है मुझे। इरकॉन में कोई बड़ी इरकॉन कंपनी में दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है, नॉर्मली मार्केट सेंटिमेंट की वजह से स्टॉक गिर रहा है। अभी के टाइम रिसेंटली हमने ऐड किया है 267 पे। अब अगर ये स्टॉक जो है अगेन मान लो कि अब हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, अब नेक्स्ट एवरेज जो है वो हमें 250 पे करना है, और उसके बाद नेक्स्ट एवरेज जो है वो 220 पे, उसके बाद नेक्स्ट एवरेज 180 पे। इस प्रकार से हम इन स्टॉक्स में एवरेज जो है वो कर सकते हैं, 250, 220, 180। बहुत सारे लोग बोलेंगे, हंसेंगे कि भाई 180 पे जाएगा, अगर नहीं गया तो नहीं गया, एवरेज नहीं करेंगे 180 पे, चला गया तो कर लेंगे, नहीं गया तो नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें, तो इरकॉन में हर बड़ी गिरावट में हमारे लिए मौका है, हालांकि कल एक रिवर्सल हो सकता है बट उस रिवर्सल में सारा फंड नहीं लगाना है, हो सकता है वो फेक रिवर्सल हो, एंड शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से मुझे लगता है एक सेलिंग बन सकती है, एंड वो सेलिंग में हमारे लिए मौका है। पैनिक सेलिंग होके, मतलब पैनिक होके कोई भी स्टॉक को बेचिए मत, हड़बड़ाहट में माइंड साथ में रखिए, स्टॉक रिवर्सल करेंगे अगेन एंड अच्छे खासे लेवल्स पे पहुंचेंगे। एंड उसी के साथ साथ बस यही बात है कि अपने पास भी फंड रखिए, कुछ मार्केट में भी लगा के रखिए, अगर गिरा तो जो अपने पास फंड है उससे एवरेज कर लेंगे, अगर नहीं गिरा तो जो मार्केट में लगा हुआ है वो हमें प्रॉफिट निकाल के दे देगा, बस सिंपल सी बात है। लोग क्या करते हैं, सारा पैसा लगा के बैठ जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। जुपिटर वैगन की बात की जाए, जैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट टॉप पे बोला था कि अभी के टाइम प्रॉफिट बुकिंग होगी, आप देखिए, आप खुद ही चार्ट देखिए ना दोस्तों, मंथली कैंडल का आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा, 10 रुपये का स्टॉक जो है कंटिन्यू भागा है, तो दोस्तों थोड़ा तो रुकेगा ना, कि आपको नहीं लगता कि ये रुकेगा, तो ये रुकावट हमें देखने को मिली है, अब ये गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकता है, मेरा ये मानना है 500 रुपीज़ के लेवल से स्टॉक जो है वो हमें दिखा सकता है। रिटेल की बात की जाए, स्टॉक में सेलिंग हमें बनते हुए नज़र आ रही है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंटिन्यू भागा है, हालांकि रिजल्ट्स इसके भी इतने भी अच्छे नहीं आए जो पहले आते थे। रिटेल में अभी के टाइम में जो EMA सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो रहा है, हो सकता है कल एक रिवर्सल दिखे, हो सकता है वो फेक रिवर्सल हो। 450 रुपये का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लेवल टूटा तो स्टॉक 375 के लेवल्स भी दिखा सकता है। टीटागढ़ की बात की जाए, रिजल्ट्स जो है इतने भी अच्छे नहीं आए हैं, ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है Q&Q के हिसाब से। टीटागढ़ में हमने देखा कि EMA पे सपोर्ट लेता है स्टॉक भागता है, बट इस बार EMA टूट चुका है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि टीटागढ़ आपको 1200 रुपये के लेवल्स दिखा सकता है, जो कि इलेक्शंस के टाइम हमें दिखे थे वो। अब रीज़न क्या है 1200 के लेवल्स पे आने का, देखिए रीज़न सिंपल है कि स्टॉक बहुत बड़ा मूवमेंट्स ऑलरेडी हमें दिखा चुका है, जैसे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू ऐसे भागा है, यहाँ पे एक डिप, जब डिप, तो कहीं ना कहीं एक 1200 रुपये का ये जो रेंज है, ये जो सपोर्ट है, ये जो ब्रेकआउट था, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। कंक्लूसन दोस्तों ओवरऑल बस यही है कि रेलवे में लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से गिरावट होगी, वो गिरावट हमारे लिए मौका बन सकता है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी, उस गिरावट में हम लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से स्टॉक ऐड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। इरकॉन वगैरह मुझे अच्छे स्टॉक लगते हैं, रेलवे में अगर मैं किसी स्टॉक की तरफ जाऊंगा तो मैं ओनली फॉर एक या दो ही स्टॉक सेलेक्ट करूंगा, सभी में लगाने की कोशिश नहीं करूंगा, अगर मैं सभी में लगाऊंगा तो मुझे एवरेज में दिक्कत आएगी, मैं ओनली फॉर एक स्टॉक को पकड़ूंगा, बेस्ट क्वालिटी वाले शेयर को, एंड उसमें मैं यहां पर एवरेज करने की कोशिश करूंगा।
जैसे कि वो बेस्ट स्टॉक मुझे इरकॉन लगता है, आपका कुछ और, आपका कोई अलग और भी स्टॉक बेस्ट स्टॉक हो सकता है। मेरा जो पर्सनली व्यू है इरकॉन में, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बुलिश है, बाकी शॉर्ट टर्म में सेलिंग हो सकती है। एंड कल अगर यहाँ पे मान लो कि रेलवे में 3-4% 5% की तेजी दिखती है, तो मैं फोमो में आके ऐड नहीं करूँगा। नॉर्मली मैं, मेरा इरकॉन लिया हुआ है 267 पे, अगर तेजी आई तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गिरा तो मैं और एवरेज कर लूँगा। जिन लोगों ने हाई पे बाई किया है वो थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश कीजिए, पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं है।